जिस तरह इन दो नौजवानों को उठा के उनकी मॉब लिंचिंग करके मारा और पुलिस, मैं तो यहाँ तक सुना है कि पुलिस की गाड़ियों ने बाकायदा बुलेरो को हिट करा था। ये कि न नासिर न जुनैद कोई करोड़पति तो थे नहीं कि आप इनको मार के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ रहे थे, आप इस्लाम को कमजोर कर रहे थे। ये तो खुद इतने कमजोर थे कि इनके घर में खाने के लाले थे। सीएम अगर चाहा तो दो सेकेंड के अंदर मोनू मानेश्वर नहीं, मोनू मानेश्वर जैसे अगर हजारों लोग होंगे ना तो सब जो है जेल में नजर आएंगे। आपको फटाफट एक्शन लेना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। दो लोगों को जिंदा जला दिया तो कोई तमीज़ी नहीं है कि किस तरह एक्शन लेना है। हमारे सीएम यहाँ के खट्टर साहब है, कितने साल से हैं यहाँ पे वो सीएम, उनका कोई वो ही नहीं है वजूद। मोनू मानेश्वरी सब कुछ है। जितने भी एक्ट हो रहे हैं इस तरह के, इसमें सरकार की सहमति है, सरकार का प्रोटेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं देर ना हो जाए इसमें के, और हमारे भी नौजवान जो हैं पैन की बजाय हम भी तलवार ले लें, हाथ में बंदूक ले लें, तो बस उस सोच में डर लगता है। इसीलिए सिर्फ इस सूरत में जो है एक ही आसरा नज़र आता है कि वो कोर्ट में हमारा विश्वास बना हुआ है और हम कोर्ट जाएंगे। अगर आप जाकर देखो गौशाला में, अरे मुझे ठेका दो ना गांव का, मुझे दो से मैं बताऊंगी कि गौशाला कैसे चलाए जाते। तुम तो माँ कहते हो, मैं तो माँ भी नहीं कहती, लेकिन मैं जानवरों से भी मोहब्बत करती हूँ। गौशाला में जाकर देखो उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वहाँ पर चुपके से उन गायें को बेच दिया जाता या मर जाती है। तुम तो माँ कहते हो ना, तो माँ कैसी माँ है कि जो तुम्हारी उत्तर प्रदेश में माँ है, राजस्थान में माँ है, पंजाब में माँ है, हरियाणा में माँ है, मध्य प्रदेश में माँ है, लेकिन और जगह तुम अपनी माँ के साथ धंधा करते हो। तुम गोवा में धंधा कर रहे हो, मणिपुर में धंधा कर रहा हूँ, तुम कर्नाटक में धंधा कर रहा हूँ, आसाम में धंधा कर रहा हूँ। तो मेरी माँ है तो पूरी दुनिया में मेरी माँ होगी, ये नहीं कि चार स्टेट में माँ होगी जहाँ मुसलमान है। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी, क्योंकि भारत की जनता को पता चल चुका है कि ये देश का प्रधानमंत्री जो है ये जमहूरा प्रधानमंत्री है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम राजस्थान के भरतपुर जिला में घटमिका गांव में है, जहां पर नासिर जुनैद नाम के दो लोगों को या गो तस्करी करने के नाम पे मार दिया गया और जिस तरह बर्बरता से उन्हें मारा गया है गोरक्षा के नाम पर, उसी बारे में यहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहां पर पहुंचे हैं एडवोकेट डॉक्टर शहनशाह हैं, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रेहाना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी जी हैं और एडवोकेट मुबशिर साहब हैं। इन सब से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर यहाँ आप पहुँचे, क्या आपने मैसेज दिया यहाँ पहुँच के? एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग जो एमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर है उसका मैं सेक्रेटरी हूँ, और एमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं जुनैद और नासिर लिंचिंग में, तो उनके जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं उनको एजुकेशन के लिए हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदे जिस एज पे होंगे और अगर स्कूल लेवल पे होंगे या कॉलेज लेवल पे होंगे तो हम उनको एजुकेशन एडमिशन कराएंगे और उनके एजुकेशन में जो भी खर्चा आएगा उसको हम लोग जो है एमयू ओल्ड बॉयज़ की तरफ से उसको हम लोग बेयर करेंगे। क्योंकि आप वकील हैं, आपसे सवाल मेरा एक ये है कि अगर कोई गौर तस्करी कर भी रहा है तो इमीडिएट उसे इस तरीके की सज़ा दी जा सकती है क्या किसी कानून में या किसी धर्म ग्रंथ में, संविधान में कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है कि अभी कुछ साल पहले ही तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट डायरेक्शन दिया है स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अगर जिस स्टेट में ऐसा कोई लिंचिंग हो जाता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये देखिए कानून में सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर ला, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि कानून मतलब इक्वलिटी बिफोर ला, आर्टिकल 14 बराबर है, इक्वलिटी राइट सबको है। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार सबको दिया, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 में राइट टू पर्सनल लिबर्टी सिर्फ हिंदुओं को दिया हुआ है, मुसलमानों को नहीं दिया हुआ है, सिख ईसाइयों को दिया, तो ये सबको है, जो देश का हिंदुस्तान का जो सिटीजन है वो सबके लिए है। तो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है कि किसी का लिंचिंग कर दिया जाए तो वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, कानून उनके खिलाफ है, और बाकायदे उस पर जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। वो अलग बात है कि जब कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि ये इनोसेंट है या एक्यूज्ड है तो कोर्ट उस पर सजा देगा। एक सवाल और है आपसे, डायरेक्ट पुलिस को स्टेट को ट्रेट कर रहे हैं कि अगर पुलिस इसकी तफ्तीश के लिए आई तो अपने पैरों पे आएगी लेकिन जाएगी नहीं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो भी लोग कह रहे हैं, अभी हम लोग सुने कि 100 गांव का महापंचायत हुआ उसमें ऐसा बोला गया, तो
तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उस स्टेट की सरकार की और सेंटर की सरकार की, दोनों की कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट वे में है। स्टेट सरकार उनके साथ है, सेंटर सरकार उनके साथ है, क्योंकि जो भी स्टेट की सरकार है, यहाँ पे हरियाणा जो एक इंडिपेंडेंट सरकार है, जैसे दिल्ली है वो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में आता है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री होता है उसको इंडिपेंडेंट नहीं चार्जेज है। हरियाणा का मुख्यमंत्री और यहाँ का जो डीएम है, यहाँ का जो एसएसपी है, वो कहीं ना कहीं सीएम के अंडर में काम करता है। सीएम अगर चाहा तो दो सेकेंड के अंदर मोनू मानेश्वर नहीं, मोनू मानेश्वर जैसे अगर हजारों लोग होंगे ना तो सब जो है जेल में नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पार्टी जो कि आप सीट से नाम निकाल दिया सर, देखिए चार सीट तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए ना कि उनको बकायदे वो हथियार लहराता है, बकायदे काउ सेल बना रखा है, और जो ये घटना है हमने एनडीटीवी पे देखा इसका, कि ये बकायदे मोनू मानेश्वर एक टीम बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है उसका, कम से कम 50-100 व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो सारे आपके हरियाणा से लेके, यूपी से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके, वो सब जगह है, और पुलिस का बकायदे वो लोग मुखबिर है, पुलिस उनके सपोर्ट में काम करती है। और ये जो जुनेद और नासिर के साथ जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं बकायदे उनको पहले उनके गांव से उठा के ले गई है वो लोग, मोनू मानेश्वर वगैरह। ये देखिए कि कितनी हिम्मत की बात है कि उनको गाँव से उठा के ले गए, ले जाने के बाद उसको मारा पीटा गया और अधमरा जब कर दिए तो पुलिस थाने ले गए। पुलिस वाले देखे कि अब तो हम बचेंगे नहीं, हम तो फंस जाएंगे। पुलिस ने कहा भाई ऐसे करके लाए हो, ये तो मरने वाले, इनको ले जाओ। मतलब उनको इनडायरेक्ट में पुलिस ने जो कहना था कह दिया, वो कुछ किलोमीटर दूर ले आकर के उनको जो है बकायदे जला दिए, ताकि कोई सबूत न मिले, उन पे कोई कार्रवाई न हो। हमारे साथ डॉक्टर रेहाना है, सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे भी पूछते हैं क्या कहेंगे मैडम जी इस बर्बरता के साथ ये हादसा हुआ या पूरा घटनाक्रम हुआ, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए प्रशासन को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा और उन्हें ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है तभी तो हो रही हैं। हम लोग तो ना बोलते कुछ किसी के बारे में, एक शब्द भी नहीं, फिलहाल तो मुसलमान बोलता ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, उसे अल्लाह ने ऐसा बनाया कि किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन ये सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। ऐसे ऐसे अपराध जो है दो कम्युनिटी को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, उससे पूरे देश में मतलब गलत मैसेज जाता है, देश में भी और देश के बाहर भी। तो इन्हें परवाह कहाँ है देश की? जो हमारे मिनिस्टर हैं, अगर इन्हें परवाह हो तो ये हालात ही ना पैदा हो। इन्हें तो एक राष्ट्रभक्त बनते हैं, राष्ट्रभक्त बनने से थोड़ी हो जाता है, दिखाना पड़ता है, करके होना पड़ता है, कहने से कुछ नहीं होता। आप बोले जाइए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना जमीन स्तर पर, कुछ नहीं कर सकते। और आप तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुजरिमों का, ऐसे थोड़ी होता है। आपको फटाफट एक्शन लेना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। दो लोगों को जिंदा जला दिया तो कोई तमीज़ ही नहीं है कि किस तरह एक्शन लेना। हमारे सीएम यहाँ के खट्टर साहब हैं, कितने साल से हैं यहाँ पे वो सीएम, उनका कोई वो ही नहीं है वजूद। मुझे तो ये लगता है कोई कुछ है ही नहीं, मोनू मानेश्वर ही सब कुछ है। तो फ़ायदा कब तक उठाएंगे? टाइम का ना चक्र चलता है, एक लिमिट आती है, फ़ायदा कब तक उठाएंगे? ख़त्म हो जाएगा ये फायदा इंशाल्लाह एक दिन। हमारे साथ एडवोकेट मुबशिर साहब हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहेंगे सर जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है, ऐसे और नफरतें बढ़ती जा रही है लगातार, ऐसे मामले देखने में आते, कैसे रुकेंगे ये सब आपके साथ? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कई बार अगेन ही सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर मॉब लिंचिंग पे एक स्पेसिफिक कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, चूंकि ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है हमारी वो चाहती ही नहीं है इस तरह कानून आना, और कहीं ना कहीं उसका कॉल्यूजन है कि जितने भी एक्ट्स हो रहे हैं इस तरह के, इसमें सरकार की सहमति है, सरकार का प्रोटेक्शन है इसमें। जैसा भी पता चला मुझे कि इसमें चार्जशीट नाम ड्रॉप कर दिया, खैर ये लेमैन की लैंग्वेज है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और चार्जशीट इसमें फाइल भी नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का जिस डायरेक्शन में जा रही है वहाँ से नाम ड्रॉप किया गया है, दैट कैन बी एडिड बाई द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो हम यहाँ आज यहाँ आए हुए हैं और हम प्लान कर रहे हैं आज हम यहाँ से वापस जाने के बाद जो है अपनी मीटिंग करेंगे एडवोकेट्स की। सर सवाल ये है कि एक मॉब जस्टिस हो गया ये एक तरह से, मतलब उन्होंने पाया कि वो गोतस्कर था, साबित नहीं हुआ लेकिन सजा दे दी उसको वहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके समर्थन में बड़े समर्थन में सभाएं होती हैं, उन्हें हीरो बनाया जाता है समाज का, इसे कैसे देखते हैं? ये सब क्या है कि इंसान की जो मेंटल स्टेटस है, जो मानसिकता है, ये उसको दिखाता है। आजकल क्या है, इस तरह का माहौल बना दिया है सरकार ने कि हर इंसान के हाथ में त्रिशूल दे दिया जा रहा है, मुसलमानों को ऐसे पिक्चराइज किया गया कि ये टेररिस्ट हैं, ये फॉरेनर हैं, ये देशद्रोही हैं, तो लोग इसलिए हमारे खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए हैं। और हालांकि उनके साथ ही धोखा हो रहा है,
वो अल्टीमेटली वही सफ़र करेंगे, उन्हीं को जॉब नहीं मिलेंगी, वही डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे। तो कहीं मेरी तो मैं तो ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं देर ना हो जाए इसमें कि देश के जो हालात बस से बदसूरत हो जाएं, बिगड़ जाएं, और हमारे भी नौजवान जो हैं पेन की बजाय हम भी तलवार ले लें, हाथ में बंदूक ले लें। तो बस उस सोच से डर लगता है, इसीलिए सिर्फ इस सूरत में जो है एक ही आसरा नज़र आता है कि वो कोर्ट, कोर्ट में हमारा विश्वास बना हुआ है और हम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, कोर्ट से ही आपको उम्मीद है कि आप फैसला मिलेगा? कोर्ट से उम्मीद है। अब ये लास्ट में हमारा सवाल है अमन रिजवी जी से, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है आप, क्या कहेंगे आप यहाँ उनके गांव में पहुंची हैं नासिर जुनैद के, क्या माहौल है यहाँ का आपके हिसाब से? देखिए, माहौल तो वही है जहाँ जनाजा उठने के बाद, मैयत उठने के बाद जो घर का माहौल होता है, जाहिर सी बात है नियर अबाउट वही वाला माहौल यहाँ पर है। मतलब बात यही है कि लगातार जिस तरह सन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग होती जा रही है, कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और तमाम महकमे इसमें शामिल होते नज़र आते हैं। आप ही देखिए कि जब हम भारत को कहते हैं कि संविधान से चलता है, और एक पढ़ाई करने के बाद हम एक पुलिस का गठन करते हैं, जब हम पुलिस का गठन ऑलरेडी कर चुके, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने कौ रक्षक के नाम पे कौ सेना बनाई? और बताइए कि मोनू मानेश्वर खुद कबूल लाए कि उसकी सेना में एसीपी तो डीसीपी बहुत सारे पुलिस के महकमे शामिल है, वो खुद कह रहा है कि जब पुलिस नहीं पहुंच पाती तो वो वहां जाकर पहुंच जाता है, और वो मतलब एक तरह से कह रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो कौन वो लोग हैं जो एक ऐसे आतंकवादी इंसान को जो खुद तीर त्रिशूल तलवार उठा के फेसबुक पर लहरा रहा है, मुसलमानों को डरा रहा है, मुसलमान लड़कों के साथ मुस्तकिल बदतमीजियां कर रहा है? तो जाहिर सी बात है आजकल में तो करा नहीं होगा कि इसने दो नौजवानों को उठा और मॉब लिंचिंग कर दी, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा का पूरा जो उसने फील्ड तैयार कर रखी, बरसों से तैयार कर रखी होगी, और यहाँ के मुसलमानों को डराना धमकाना, और पता नहीं कितने बेकसूर नौजवानों को इसकी वजह से जेल हुई होगी, लेकिन ना मालूम वो क्या करना चाहता था, क्या साबित करना चाहता था कि उसने जिस तरह इन दो नौजवानों को उठा के उनकी मॉब लिंचिंग करके मारा, और पुलिस भी इसमें शामिल रही। मैं तो यहाँ तक सुना है कि पुलिस की गाड़ियों ने बाकायदा बुलेरो को हिट करा था। भाई आप ये बताइए कि ना नासिर ना जुनैद कोई करोड़पति तो थे नहीं कि आप इनको मार के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ रहे थे, आप इस्लाम को कमज़ोर कर रहे थे। ये तो खुद इतने कमज़ोर थे कि इनके घर में खाने के लाले थे, ज़्यादा बच्चे थे, छोटे छोटे घर थे, एक छोटी सी दुकान चलाता था, एक को जो काम मिल जाता था वो कभी गाड़ी चला रहा कभी वो चला। तो आप दो गरीब मुसलमानों को मार के मुसलमानों का कौन सा पेज टाइट कर रहे थे? और उसके बाद अगर आपने मारा तो मारा, अब आप ये देखिए कि एक एक कातिल को बचाने के लिए, एक आप ये कहीं देशद्रोह को बचाने के लिए सौ गांव बताई पंचायत करते हो, और पुलिस को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर आई तो अपने पैरों पर आएगी, अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि वाकई भारत में संविधान नहीं है, और संविधान अगर है तो वो इन लोगों के लिए। ये खुद कह रहे हैं कि अगर मोनू मानेश्वर को पुलिस उठाकर लेके जाएगी तो 15 साल की जेल हो जाएगी, 15 साल बाद फिर ये निर्दोष साबित होंगे। तो इनको खुद पता है कि भारत में एक समाज पर यानी मुस्लिम समाज पर ये जुल्म लगातार 30-40 साल से चलता चला आ रहा है कि उनको उठाया जाता है, केस पर केस चलता है, डेट पर डेट मिलती है, वो बंदा जेल में रहता है। अगर 20 साल का युवक जेल में है तो 20 साल का जब वो और उसको सज़ा होती है तो 40 साल का वो अधेड़ उम्र बनकर बाइज्जत बरी होकर बाहर निकलता है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें तमाम समाज के लोगों को संविधान पर काम करना चाहिए। इस मामले में आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन और सरकार को, कोर्ट को? क्या कहा इस मामले में आपकी अब क्या मांग है, क्या कहेंगे प्रशासन को सरकार को? देखिए अब मैं ये तो नहीं कहती कि मैं इन दोनों को जिंदा कर दूंगी, ना मेरे मैं कोई वो बागेश्वर वाली बाबा हूं कि मैं इनको जिंदा कर दूंगी, है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये मॉब लिंचिंग मेरे समाज की आखिरी मॉब लिंचिंग हो, इस बात का आश्वासन हमें सरकार दे, हमें यहां की स्टेट गवर्नमेंट दे, और जितना भी हो सकता है मुमकिन इस फैमिली की मदद करी जाए, इनकी एजुकेशन से इनकी बीवी को जॉब दी जाए, और जितना अमाउंट दिया जा सकता है ताकि वो अपने 6 बच्चों को, यानी अब तो बच्चे 12 हो गए, 2 बीवियां हैं 2 बेवाएं, तो इन बच्चों को पालन पोषण का पूरी जिंदगी ठेका दे, और आइंदा ऐसे जितने भी देशद्रोही उन पर केस हो और मोनू मानेश्वर और इसके सारे गुंडों को पकड़ के फौरन जेल में डाला जाए। कर्नाटक से जो मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की हो चाहे कहीं से हो, लेकिन गौ तस्करी जो होती है वो तमाम के तमाम बीफ एक्सपोर्टर खाने वाले भी और बेचने वाले भी वो हिंदू ही होते हैं, लेकिन मीडिया जो है सिर्फ ये मुसलमान करता रहता है। अभी आपने देखा कि अगर आप जाकर देखो गौशाला में, अरे मुझे ठेका दो ना गाँव का, मुझे दो, मैं बताऊंगी कि गौशाला कैसे चलाए जाते हैं,
तुम तो माँ कहते हो, मैं तो माँ भी नहीं कहती, लेकिन मैं जानवरों से भी मोहब्बत करती हैं। गौशाला में जाकर देखो, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वहाँ पर चुपके से उन गायें को बेच दिया जाता है या मर जाती हैं तो उनकी चमड़ी उतरवा कर उनका चमड़ा बेच दिया जाता है। तुम तो माँ कहते हो ना, तो माँ कैसी माँ है कि जो तुम्हारी उत्तर प्रदेश में माँ है, राजस्थान में माँ है, पंजाब में माँ है, हरियाणा में माँ है, मध्य प्रदेश में माँ है, लेकिन और जगह तुम अपनी माँ के साथ धंधा करते हो। तुम गोवा में धंधा कर रहे हो, मणिपुर में धंधा कर रहे हो, तुम कर्नाटक में धंधा कर रहे हो, आसाम में धंधा कर रहे हो। तो मेरी माँ है तो पूरी दुनिया में मेरी माँ होगी, यानी कि चार स्टेट में माँ होगी जहाँ मुसलमान है। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी, और भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता को पता चल चुका है कि ये देश का प्रधानमंत्री जो है ये जमहूरा प्रधानमंत्री है और डेवलपमेंट के नाम पर इसके पास कुछ नहीं है। जब भी कुछ होता है तो तीर त्रिशूल तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और मजहब के नाम पर जो है भारत में लोगों को लड़वा रहा है। ये इनफ हो चुका, अब जनता जाग चुकी है, आगे ऐसा नहीं होगा।